नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक के विक्रम सिंह द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। इस कहानी में लेखक ने अपनी त्रिपुरा यात्रा का वर्णन किया है, साथ ही उन्होंने त्रिपुरा के व्यक्तियों, धर्मों और दर्शनीय स्थलों का भी वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक सूर्योदय के समय उठते हैं, फिर चाय और अखबार लेकर सुबह का आनंद लेते हैं। एक दिन बिजली चमकने और बादलों के गर्जन की काफी तेज आवाज के कारण लेखक की नींद खुली। इस दृश्य ने उन्हें दिसंबर 1999 की एक घटना की याद दिला दी, जब वे ऑन द रोड शीर्षक की टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की यात्रा पर गए थे। इस टीवी श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा की राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और राज्य के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या लगभग 36,71,000 है। यह राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है और एक तरफ से भारत के दो राज्य मिजोरम और असम सटे हैं। सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं। बांग्लादेश, असमा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों के यहाँ रहने पर यहाँ का जनसंख्या असंतुलित हो गया है। पहले तीन दिनों में लेखक ने अगरतला और उसके नजदीक स्थित जगहों पर शूटिंग की। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती थी। त्रिपुरा में बाहरी लोगों के रहने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है, लेकिन इस कारण यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। आज त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चार बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व। अगरतला के बाद लेखक तेलियामुरा पहुँचे, जो कि एक विशाल गांव है। यहाँ लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जिन्हें 1996 में भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। हेमंत कुमार जमातिया कोक बारोक बोली में गाते हैं, जो कि त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। हेमंत ने हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीतकर वे जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जिला परिषद ने लेखक के शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन भी किया। भोज के बाद लेखक ने हेमंत से गीत सुनाने का अनुरोध किया। हेमंत ने लेखक के सामने धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। तेलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, जो कि जूते बनाने के अलावा तबला और ढोल जैसे वादों का निर्माण भी करते हैं। मंजू ऋषिदास रेडियो कलाकार के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का निरूपण भी करते थे। उन्होंने लेखक को दो गीत सुनाए। तेलियामुरा के बाद त्रिपुरा का हिंसाग्रस्त इलाका शुरू होता है। लेखक वहां से सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में मनु कस्बे की ओर चल पड़े। दरअसल मनु कस्बा मनु नदी के किनारे स्थित है। शाम के समय लेखक मनु कस्बा पहुंच गए। वे उत्तरी त्रिपुरा जिले में भी पहुंच चुके थे। वहां लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सिंके तैयार करना। अगरबत्तियों बनाने के लिए इन बांस की पतली सिंके को कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो कि बांग्लादेश की सीमा से काफी करीब है। यहाँ के जिला अधिकारी से लेखक ने टीपीएस यानी ट्रू पोटैटो सीड्स के बारे में जाना, तो पता चला कि मात्र 100 टीपीएस से ही एक हेक्टेयर की बुआई हो जाती है। इसके बाद लेखक को ऊनाकोटी जिले के बारे में पता चला कि ऊनाकोटी देश के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। दरअसल ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में भगवान शिव की 1 करोड़ मूर्ति में से एक मूर्ति कम है। विद्वानों के अनुसार यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर इलाके से ज्यादा में फैली हुई है। यहाँ पर मूर्तियों का निर्माता कौन है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के अनुसार इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। दरअसल कल्लू पार्वती जी का बड़ा भक्त था और वह शिव जी और पार्वती जी के साथ कैलाश जाना चाहता था। पार्वती जी के कहने पर शिव जी कल्लू कुम्हार को ले जाने के लिए तैयार हो गए,
परंतु उन्होंने शर्त रखी कि एक रात में कल्लू कुम्हार को शिव जी की 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू रात भर काम करता रहा, लेकिन सुबह में 1 करोड़ मूर्तियों में से 1 मूर्ति कम थी और इस कारण शिव जी कल्लू कुम्हार को यहीं छोड़कर कैलाश चले गए। लेखक ने शाम 4 बजे तक ऊनाकोटी की शूटिंग की और फिर धीरे धीरे ऊनाकोटी में अंधेरा छा गया और बादल भी गरज गरज कर बरसने लगा। बादलों के इन गर्जन ने लेखक को 3 साल पहले वाले ऊनाकोटी में बादलों के गर्जन की याद दिला दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।